आगामी त्योहारों को लेकर लटेरी के थाना मुरवास में शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में समाज सेवी, धर्मगुरु और राजनीतिक दलों सहित तहसीलदार, थाना प्रभारी मौजूद रहे। तहसीलदार जेपी सौर ने आगामी त्योहारों को शांतिपूर्वक मनाने की अपील की, साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का लिमिट के प्रयोग करने की भी बात कही। शांति बनाए रखने और हर्षोल्लास से त्यौहार मनाने के लिए चर्चा की गई है। इसमें को आम जनता का जो है पूर्ण सहयोग है, सामंजस्य है, जिससे जो है शांति बनी हुई है यहाँ पे। और चाहता हूँ कि आगे भी जो है हर त्यौहार में हर समय ऐसे जो है बना रहे, क्योंकि क्या है आज क्षेत्र में आगामी त्यौहारों को देखते हुए गणेश उत्सव, ढोल ग्यारस, ईद मिलाद उन्नबी एवं जैन समाज का भी एक बीच में समारोह है। त्योहारों को लेकर भी बात हुई, ताकि कभी सभी त्यौहार बहुत अच्छाई के साथ में मनाए जाएं, ईद मिलाद उन्नबी हो या और तमाम ही त्यौहार हो। दूसरे ये रोड पे लाइटें नहीं चल रही हैं, उनके मुताबिक भी बातचीत हुई और संपर्क किया गया जो उससे मुताबिक अधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत हुई। शांति समिति में देखो साहब, हमारे यहाँ शांति समिति की मीटिंग होती है साल में दो बार। जब भी कोई त्यौहार आता है, हमारे माननीय थाना प्रभारी महोदय, तहसीलदार साहब, एडीएम साहब सब यहाँ पे मौजूद होते हैं। सभी समाज के लोग अपनी अपनी समस्याएं बताते हैं। जिनको जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या होती है, उन्होंने बताया वो पूरा कराते हैं। जैसे आज साहब ने बताया हमारे लिए गए अपने लिए गायों के लिए रेडियम पट्टी के मामले में, उसका भी हमने ये बोल दिया कि जो भी पट्टी लगेंगे हम लग पाएंगे। वो आप अपने खर्चे बिल्कुल जेब के खर्चे बिल्कुल जेब के खर्चे